अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ सेक्टर F7, ये इस्लामाबाद के अंदर है। कज़न आया हुआ है सऊदी अरेबिया से, तो उसने शेल्टन रेजिडोर होटल के अंदर स्टे किया हुआ है। तो अभी मैं आया हुआ था मार्केट, यहाँ पर एक मोबाइल था क्योंकि PTA वालों ने जो है उसका मोबाइल ब्लॉक कर दिया है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो अभी घर से मैं निकला था पहले मार्केट में, क्योंकि इधर चीज़ें पड़ी हुई थी कुछ मैंने उठाई हैं, और अभी मैं निकलने लगा हूँ इस्लामाबाद F7 के लिए। वहाँ पर जाता हूँ, जो भी मनाजर होते हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ से फिर हमने निकला है गीगा मॉल के लिए। और जो भी तरतीब है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और जो लोग नए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर। पेट्रोल ख़त्म हो गया जी, सबसे पहले मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाई है। मैंने कहा ये ना हो रास्ते में अड्डा लग जाऊँ, लेकिन ये एक टंकी फुल हो गई है, क्यों थोड़ा थोड़ा करके मैं डलवाता रहा हूँ ना। अभी निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ, ये रोड है मेन, इसको हम पकड़ते हैं और इधर से निकलते हैं। दोस्तों ये मैं होटल पे पहुँच गया हूँ और बिल्कुल भी कहीं भी मैंने स्टॉप नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू द मैप पर पहुँचा हूँ। अभी चलते हैं इधर, ये वाला होटल है शेल्टन रेजिडोर इस्लामाबाद F7 के अंदर। पहुँच गया जी रिसेप्शन से, मैंने पता किया 104 इसका जो है रूम नंबर है, 104 104 101 102 102 104। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी रूम में पहुंच गई, आपको नज़र आ रहा है ये जो है इस होटल के रूम्स हैं कुछ इस तरह के, और अभी तो बिगाड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये है कि सेट करके रखते हैं। अच्छा जी अभी प्रोग्राम बन गया है कि सेवर खाते हैं, गाड़ी जो सी है रेंट आउट कराई हुई है, गाड़ी जो सी आते हुए तकरीबन घंटा एक लग जाएगा, तो उस वक्त तक सेवर से होके आते हैं।